रिजर्व पुलिस लाइन में आरटीसी में ट्रेनिंग ले रही प्रशिक्षु महिला आर्चियों को शनिवार को गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने पुलिसिंग के अलावा व्यवहारिक ज्ञान दिया। पुलिस मेस के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता खुद टीचर बन गए और प्रशिक्षु महिला आर्चियों को ड्यूटी के दौरान किस तरह आम पब्लिक से व्यवहार किया जाना जाए, वर्दी टोपी के महत्व सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी दी, जिससे ट्रेनिंग के बाद आर्ची अपनी ड्यूटी के कर्तव्य और निष्ठा से निभा सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। अच्छी होनी चाहिए हमेशा, जब भी आप काम और रहें भले ही पुरानी पहने लेकिन चमक की धुलाई उसकी प्रेस सही होनी चाहिए। पुलिस वाले के लिए सबसे पहले चीज है उसको दिखना सुंदर चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ अभी टोपी लगानी नहीं आती है, आप में से किसी जो उस्ताद हैं उन्होंने आप लोगों को ढंग से नहीं सिखाया अभी, तो अभी आपको बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा और मैं चाहूंगा आज आप उस बातों को अच्छे से अपने अंदर रखें। जी, पिछले 2 महीने से यहाँ पर रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में महिला आरक्षियों की ट्रेनिंग चल रही और उनके साथ आज सेशन किया गया। मैं चूँकि एज ए प्रिंसिपल कह लें या ट्रेनिंग का सबसे हेड हूँ गोरखपुर में आरटीसी में, तो आज आरटीसी 2 महीने के बाद जो है पुलिस कर्मी जो महिला ले रही उनके साथ आज हमने ब्रीफिंग सेशन रखा और काउंसलिंग और उनके साथ एक उनको ड्यूटीज़ के बारे में ट्रेनिंग के बारे में और प्रशिक्षित किया गया। क्या सब मुख्य बातें बताई जैसे व्यवहार ज्ञान पुलिस के साथ? जी बिल्कुल, पुलिस की जो चूँकि अभी 2 महीने ही उनकी ट्रेनिंग चली है तो उनको उनकी साज सज्जा के बारे में, उनको उनके चाल चलन के बारे में और पुलिस की कितनी ड्यूटियाँ हैं, किस तरह की ड्यूटियाँ हैं, क्या इसमें हायरार्की है, इन सब बारों के बारे में बताया गया।